बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर हम ऐप्स की बात करें तो इस टाइम पे हमारे पास मिलियंस में ऐप्स मौजूद हैं। कुछ उनमें से अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं और कुछ ऐप्स ऐसी भी हैं जो सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट करती हैं ताकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकें और बाद में उसे आपके अगेंस्ट या फिर आपके फेवर में यूज़ कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच कैटेगरीज के बारे में, जिन कैटेगरीज के ऐप आपको कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए, कभी भी इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। पहले नंबर पर जो पहली कैटेगरी है वो है फ्लैशलाइट ऐप्स। फ्लैशलाइट ऐप्स आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इससे पहले हमारे पास कुछ ऐसा पहले तक आप कह सकते हैं स्मार्टफोन में आपको यूज़ करने की जरूरत पड़ती थी ये ऐप्स, क्योंकि अगर आपको टॉर्च को जो है स्मार्टफोन में मिलती है, अगर आप फुल पावर में अगर एनेबल करना चाहते हैं तो आपको ऐप की जरूरत होती थी। लेकिन वो था कुछ सालों पहले, ठीक है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें अगर टॉर्च है तो साथ ही बिल्ट इन फंक्शनैलिटी भी होती है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर आपको किसी भी किस्म की ऐप की जरूरत नहीं होती। नंबर पर आप जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है कीबोर्ड ऐप्स। अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हैं कीबोर्ड के लिए, वहाँ पे आपको कुछ रंगीन कीबोर्ड तो मिल जाते हैं, ठीक है, सिर्फ वहाँ पे कलरिंग का ही डिफरेंस होता है, बाकी कुछ खास फर्क नहीं होता है, ज़्यादा फंक्शनलिटी आपको नहीं मिल रही होती। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत फंक्शनलिटी भी मिल जाए लेकिन वो कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होती जो कि आप लॉस कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आप जितना भी पासवर्ड वगैरह टाइप कर रहे होते हैं, जितना भी आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, वो सब कुछ आप करते हैं अपने कीबोर्ड को यूज़ करते हुए, ठीक है। और जब भी आप थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हैं तो उसके डेवलपर्स जो होते हैं वो आपके ऐसी परमिशन ले लेते हैं जिनकी वजह से आप उनके लिए कुछ भी एक्सेसिबल होता है आपके लिए, ठीक है। जो भी आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है डेवलपर्स के लिए, ठीक है। और डेवलपर्स फिर उसे आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उनके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा अगर आप थोड़ी बहुत फंक्शनलिटी के लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हैं कीबोर्ड की, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बिल्ट इन कीबोर्ड में अगर कोई चीज़ नहीं है, कोई फंक्शनलिटी नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल से ये होता है कि आपका स्मार्टफोन उस फंक्शनलिटी के कैपेबल ही नहीं है, ठीक है, उस काबिल ही नहीं है कि उसमें वो फंक्शनलिटी डाली जा सके। तो वो फंक्शनलिटी कभी भी आप फुली आप कह सकते हो फुल एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप वही कीबोर्ड यूज़ करें जो कि बिल्ट इन दिया गया है, ठीक है। और मोस्टली अब जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें कीबोर्ड बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, और आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कीबोर्ड के लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हैं तो आप सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क ले रहे हो। नंबर पर आपने नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फ्री गेम्स। अगर हम नॉर्मली गेम्स की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलियंस में आप कह सकते हो कि फ्री गेम्स मिल जाती हैं। अब सोचने की बात यह है कि कोई भी बंदा इतनी मेहनत करने के बाद फ्री में कोई भी चीज़ क्यों देगा, तो यहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं होता। आप बहुत बड़ी कीमत दे रहे होते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी आप अपने भाव कर सकते हो, बहुत सारी प्राइवेसी उनको दे रहे होते हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आप अभी ट्राई करने के लिए एक गेम डाउनलोड कीजिए, ठीक है। जब आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा एड्स शो होते हैं। इसके अलावा जब आप गेम इंस्टॉल करने लगते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी परमिशंस देनी होती हैं, जिनमें कैमरा परमिशन, आप कॉन्टैक्ट लिस्ट, लोकेशन, ठीक है, और उसके साथ ही काफ़ी सारी ऐसी आप कह सकते हो कि परमिशन होती हैं जिनसे आपकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डेवलपर्स के पास जा रही होती है। जब आप गेम को खेल रहे होते हैं तब आप फ्री में नहीं खेल रहे होते, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, ठीक है, और फिर आप उसके वो जितने भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी उसे भेज सकते हैं आगे आप कह सकते हो कि एडवर्टाइजर्स के हाथ में, ठीक है, और फिर एडवर्टाइजर जो है आपको वही ऐड जो शो हो रहे होते हैं उसी तरह आपको रिटेट करते रहेंगे। तो फ्री गेम जो है एक्चुअल में बहुत महंगी होती है, तो आप ना खेलें तो ही अच्छा है। फिर हमारे पास जहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एंटीवायरस ऐप्स। एंटीवायरस ऐप्स की आपको कोई खास जरूरत नहीं होती, एक दो केसेस हैं जिनमें आपको ये ऐप यूज़ कर लेनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो है आपको इन ऐप्स की जरूरत नहीं होती। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो फिर तो एंटीवायरस ऐप्स को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आईफोन की जो बिल्ट इन प्रोटेक्शन है वो इतनी ज़्यादा है कि इन ऐप्स का कोई मतलब ही नहीं बनता यूज़ करने का। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हैं तो तब भी आप कह सकते हो कि आपके स्मार्टफोन की बिल्ट इन जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी हद तक होती इतनी होती है कि कम से कम आपको जितने भी वायरस वगैरह होते हैं उनसे बचा सके। और अब जितने भी स्मार्टफोन आ रहे होते हैं उनमें कोई ना कोई टूल ऐसा होता है, कोई ना कोई फीचर ऐसा होता है जो कि आपको इन सब चीज़ों से आप कर सकते हो सिक्योर रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप्स आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसी केस में यूज़ कर सकते हैं कि आपका स्मार्टफोन रूटेड है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, आप कोई भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस ऐप यूज़ कर सकते हैं अगर आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड नहीं करते, किसी और सोर्स से करते हैं। फ्रेंड नंबर पर आपने लास्ट कैटेगरी है वो स्टोर लॉयल्टी ऐप्स। कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी स्टोर, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे स्टोर, रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह होते हैं जिनकी ऐप्स हमारे पास होती हैं, ठीक है, और उनका यही कहना होता है कि आप ये ऐप यूज़ करें आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इतना आपको डिस्काउंट दे देंगे, ये करेंगे, वो
वो करेंगे, लेकिन सब होती हैं बातें। अगर आप उनकी ऐप यूज़ कर लेते हैं तो आपको जो थोड़ा बहुत वो डिस्काउंट दे रहे होते हैं, थोड़ी बहुत जो ऑफर्स दे रहे होते हैं, वो आपको काफ़ी महंगी पड़ती हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी किसी भी रेस्टोरेंट की ऐप यूज़ की, ठीक है, वहाँ पर आपने अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन भी दी होगी, ठीक है, आपने पेमेंट करने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात आप ध्यान कीजिए कि वहाँ पे बैक एंड पे कितने लोग होंगे जो कि उस ऐप को मैनेज कर रहे हैं, एक या दो ही होंगे, ठीक है। वो आपके लिए कभी भी आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे कि आपका जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो फुली सिक्योर हो। आप ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हैक करना हैकर्स के लिए बाएं हाथ का खेल होता है, क्योंकि बैक एंड में इतने ज़्यादा लोग होते नहीं है ऐसी ऐप्स को मैनेज करने वाले, ठीक है। और यहाँ पे जो आप कह सकते हो सिक्योरिटी लेवल भी बिल्कुल जीरो होता है, हैकर बड़ी ही आसानी से आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आपका पैसा चुरा सकते हैं या फिर आपके अकाउंट यूज कर सकते हैं। तो आपको कभी भी ऐसी ऐप्स यूज नहीं करनी चाहिए जैसा कि होटल ऐप्स हो गया या फिर रेस्टोरेंट स्टोर ऐप्स जैसी भी होती हैं, ठीक है। तो आप अगर इन पांचों कैटेगरीज की ऐप्स यूज नहीं करते तो आपकी जो सिक्योरिटी लेवल है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर सेव है, लेकिन अगर आप इन कैटेगरीज के आप यूज़ नहीं करते तो कम से कम आप इतना कह सकते हैं कि आप काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि यही मेन तरीके हैं जैसे आप डेवलपर तक की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो अगर आप इन ऐप्स को यूज़ नहीं करेंगे तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन लें। सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही इस लोगो पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।